आप मुझे बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन था? मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो आपको ऐसा कोई जवाब देंगे कि वो वेस्टर्न ही होगा, कहेंगे मेटरनिक सबसे बड़ा दुनिया। अगर मैं उनको कहूं कि आप मुझे बताइए कोई डिप्लोमेसी पे सबसे अच्छी किताब क्या, तो कहेंगे वो मैकियावेली है, वो हैरल निकल्सन है, वो अर्नेस्ट सातो है। तो मेरा लिखने का कारण ये था, मैं अपने ही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई घर में देखो, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे, मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी, और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे, उन्होंने सीता को फिजिकल वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद, माने कैसे डिप्लोमेट, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूँ। कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, एक दो नॉन अलाइन निकले बीच जैसे बलराम थे या रुक्मा थे, या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी, कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे, कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं, पर वो भी इंटरडिपेंडेंट, फिजिकल मटीरियल इंटरडिपेंडेंस थे पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान, जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया, कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार उसके बाद आपको पता उन्होंने किया। या आजकल ये टर्म आया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, कि एक मर्यादा होती है देशों के बीच में जो राजनीति में, कि आपस में कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। महाभारत की कहानी क्या है कि जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जैसे कर्ण या दुर्योधन, वो अपने आखिरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाती है, कि वो कहते हैं भाई ये नहीं करो क्योंकि ये रूल के मुताबिक, और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने रूल्स, उसी रूल्स का उन्होंने पालन नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। आज हम कभी कभी आपस में हमारी डिबेट होती है कि हमारे खिलाफ हमसे बड़ा देश, अब ये याद रखिएगा कि पांडव जो है, पांडव कौरव की प्रपोर्शन जो थी वो 7-11 थी, कि वो छोटी फौज थी, उनके पास छोटी फौज थी पर बड़ी सोच थी, अनुशासन ज्यादा था, क्रिएटिविटी ज्यादा था, इंटेलिजेंस ज्यादा था, और श्री कृष्ण उनके साथ। तो और हम कभी कभी रेपुटेशन कॉस्ट की बात करते हैं, कि रेपुटेशन जो है कूटनीति में, राजनीति में, जिस पे आप भरोसा, भरोसा की मैं क्या कीमत बताऊं, जिस पे भरोसा करते हैं उसकी जो वैल्यू जो है, पार्टी हो, आदमी हो, देश, रेपुटेशन की बहुत कीमत होती है। और पांडवों की रेपुटेशन जो है कौरव से इतनी अच्छी, रेपुटेशन का बहुत फर्क,
और कभी कभी ये भी है कि जो बड़े गोल जो लार्जर गुड के लिए कभी लोगों को माने टैक्टिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये भी इसके बहुत उदाहरण जो युधिष्ठर ने अश्वत्थामा के बारे में कहा, या जब अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया। अब टेक्निकली आप कहेंगे कि ये गलत चीज है, पर उन्होंने किया एक कारण के लिए, उनका एक लक्ष्य था। आप कहेंगे कि अब अगर आप लार्जर गुड के परिपेक्ष से देखें तो उन्होंने जो किया वो ठीक है, आप टेक्निकली देखें तो अलग बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज है, जैसे अब स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, जो जब कृष्ण भगवान ने सूर्यास्त को सूर्यास्त का एक किस्म से इल्यूजन क्रिएट किया तो जयद्रथ को लगा कि वो बच गए। तो मैं आपको ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एनालिसिस, हमें हम जो है इतनी माने आसानी से ये शब्द लेते हैं, ट्रोजन हॉर्स, अकिलीस हील, गॉर्डियन नॉट। अब ये कहां से आते हैं ये शब्द? किसी और के कथा से आते। अब मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी वही कथा पढ़ता हूं, मुझे भी उसमें रुचि है। पर मैं हमारे देशवासियों को समझाना चाहता हूं कि भाई आप अपने बारे में भी पढ़िए, इसका भी महत्व समझिए। हम आपस की बातें में कम से कम इसका तो प्रयोग करें कि अगर हमें स्ट्रेटेजिक कल्चर, सचमुच अगर इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर बनाना है, इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर दूसरों के अनुभवों और दूसरे के कथाओं से नहीं बनेगी। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया के एपिक से बनेगी।